अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बाबर जान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीजे बर्ड्स। आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर है ये तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि बजिस के अंडों में से बच्चे कितने दिन बाद निकलते हैं। वैसे तो ये बात बहुत सारे भाइयों को पता है, जिन्होंने बर्ड रखे हैं उनको पता है कि बजिस के अंडों में से बच्चे कब निकलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शौकीन भाई हैं जो न्यू हैं, जिनको नहीं पता कि बजिस के अंडों में से बच्चे कब निकलते हैं। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो इस फील्ड में न्यू हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर आपकी बजिस ने फर्स्ट डेट को अंडा दिया है, 1 तारीख को आपकी बजिस ने पहला अंडा दे दिया, पहली बात तो ये है कि बजिस सारे अंडे एक साथ नहीं देते। ये एक अंडा अगर आज दिया है तो दूसरा अंडा कल या परसों देंगे, 1 या 2 दिन के गैप से दूसरा अंडा भी देगी। इसी तरह उसने जिसने जितने भी अंडे देने हैं, 4 देने हैं 5 देने हैं या 6, वो जितने भी अंडे देगी इसी तरह के गैप से अपने अंडे पूरे करेगी। उसके बाद उसके ऊपर बैठ जाएगी, उसको हीट देगी। इसी तरह जैसे पहला अंडा 1 तारीख को आया था तो उसमें से बच्चा भी पहले ही आएगा। पहला बच्चा 19 से 20 से 21 दिन, यानी कि 18 से 21 दिन में पहला बच्चा अंडे से निकल आएगा। इसी गैप से दूसरे अंडे से, तीसरे अंडे से, चौथे अंडे से, जिस गैप से उसने अंडा दिया होगा उसी गैप में से अंडों में से बच्चे निकलते जाएंगे। अगर तो आपके जहां आप रहते हैं, जहां आपने बर्ड रखे हैं, वहां का वेदर गर्म है, गर्मी है, तो फिर तो 18 से 21 दिन के अंदर बच्चे निकल आते हैं। अगर आप उस जगह रहते हैं जहां थोड़ी सर्दी है, ठंडक है, तो फिर अंडों को हीट कम मिलती है और उनमें से बच्चे निकलने में तकरीबन 1 से 2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये वेदर पर डिपेंड करता है। अगर गर्मी है तो 18 से 21 दिन में, अगर सर्दी है तो फिर 1 या 2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई।